ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଦେଶରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁଇ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏମବିଏ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 130% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଳି ପରି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୂର୍ବ ଦଶକ ତୁଳନାରେ 102% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଏମବିବିଏସ୍ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 51,000ରୁ ବଢ଼ି 1,00,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत बढ़ी है, साथ ही एमबीबीएस और पीजी की सीटों भी दुगनी से ज्यादा की गई है। अनेक नई एम्स को मंजूरी दी गई है, उनमें से बहुत से एम्स में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस शुरू हो चुके हैं। देश में हेल्थ सेक्टर में मोदी जी के नेतृत्व में 360 डिग्री वर्क हो रहा है। देश में हेल्थ को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाने के लिए 3 डायमेंशन में जो काम हुआ है, मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की संकल्पना के साथ वो कदम मिला रहा है। आज से एक दशक पहले देश में 387 केवल मेडिकल कॉलेज थी, बट एक दशक में वो डबल होके 780 हो गई है। तो एक दशक के पहले 51,000 एमबीबीएस की सीट थी, वो आज 1,18,000 से अधिक हो चुकी है। जो एक दशक के पहले 31,000 पीजी की सीट थी, वो बढ़ के 73,000 पीजी की सीट आज के दिन में हो चुकी है। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।